हरे कृष्णा, सदियों से सनातन धर्म सहिष्णुता का सीमा चिन्ह रहा है, लेकिन वर्तमान समय में कुछ ईर्ष्यालु तत्व हमारे इस शालीनता को हमारी कमजोरी समझ बैठे हैं। शायद इसीलिए आज सनातन धर्म और सभ्यता के ऊपर अनेक प्रहार किए जा रहे हैं, जैसे कि हास्य परिहास के नाम पर देवी देवताओं का मजाक उड़ाना, हिंदू परंपराओं और श्रद्धा को अंधविश्वास का नाम देना, पेटा जैसे कुछ तथाकथित प्राणी प्रिय संस्थाओं को रक्षाबंधन में गाय का दूध ना पीने की सलाह देना तो याद आ जाता है, लेकिन बकरी के बहते हुए खून में उन्हें सिर्फ मुबारकबाद दिखती है। उस वक्त उनका प्राणी प्रेम शायद छिप जाता है। खुद को ह्यूमन कहलाने वाले तथाकथित फिल्मी सितारे कुत्ते और बिल्ली जैसे प्राणियों को अपने साथ घर में पालते हैं, लेकिन जब मांसाहार की बात आती है तो खरगोश और मुर्गी के लिए उनकी ह्यूमैनिटी किसी पिंजरे में कैद हो जाती है। बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठन, तथाकथित एक्टिविस्ट और स्वयं को सुधारक मानने वाले लोग सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को लेकर चिंतित हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर केवल दो वक्त की रोटी के बदले में धर्म परिवर्तन कराने वाले निराधमों की बात आती है तो उनकी वाणी सूख जाती है। ऐसे विज्ञापनों को प्रोत्साहित किया जाता है जिसमें वैदिक परंपरा की जड़ों को काट कर भाई के स्थान पर बहन को रक्षक बना के राखी बांधने की शिक्षा दी जाती है। कैसा विरोधाभास है ये, जहां सहिष्णु सभ्यता का शोषण हो रहा है और संहारक मानसिकता को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। वास्तव में ये वैदिक सभ्यता का विनाश करने के लिए आयोजनबद्ध रूप से रचा गया षड्यंत्र है, जिसमें सनातन धर्म के लोगों के विश्वास और श्रद्धा की बलि चढ़ाई जा रही है, क्योंकि वास्तव में तो हमारी वैदिक सभ्यता अनेक रंगों से सजी हुई है। ये ऐसी संस्कृति है जिसमें हम दूसरे धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन अगर सनातन धर्म के विपरीत कोई आवाज उठे तो काल का तीसरा नेत्र खुलने में भी देर नहीं लगती। सभ्यता, सहिष्णुता, परंपरा, आदर्श, अध्यात्म, उत्सव और उल्लास हमारी पहचान है, भावुकता नहीं। श्रद्धा और विनम्रता हमारा सद्गुण है, कमजोरी नहीं। इन सब के मध्य में हमारे त्योहार और उत्सव मानव सभ्यता में रंगों के मेघ धनुष के समान है, जो हमारे जीवन में आनंद और उल्लास के माध्यम से नई ऊर्जा का संचार करते हैं। ये पर्व किसी अन्य जीव की हत्या करने की शिक्षा नहीं देता, लेकिन मानव संबंधों की गहराई को मजबूत करते हैं। चलिए ऐसे ही एक पर्व रक्षाबंधन के विषय में आज कुछ चर्चा करते हैं, और हम आपको लेकर चलते हैं शास्त्र नगरी की यात्रा पर, जहां रक्षाबंधन पर्व के पौराणिक प्रमाण हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस यात्रा में हम आपको कुछ रोचक और शास्त्रों पर आधारित कहानियां भी सुनाएंगे और रक्षाबंधन पर्व के भौतिक और आध्यात्मिक महत्व की चर्चा भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रत्येक वर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन या राखी का पर्व मनाया जाता है। इस पर्व के दो पहलू हैं, एक बाह्य रूप से भौतिक और दूसरा आंतरिक और आध्यात्मिक। बाह्य रूप से समाज में प्रचलित मान्यता के अनुसार इस दिन बहन अपनी भाई को राखी बांधती है, लेकिन वास्तव में राखी के रूप में बहन अपनी प्रार्थनाएं और आशीष अपने भाई की कलाई पर बांधती है और ईश्वर से प्रार्थना करती है कि वे उसके भाई की सदैव रक्षा करें। राखी के धागे कोई अंधश्रद्धा युक्त रिवाज नहीं है, बल्कि मानवीय संबंधों के मूल्य को दृढ़ीभूत करने वाली परंपरा है। रक्षा के इस धागे की परंपरा की जड़ें वैदिक काल तक विस्तृत हैं। चलिए अब हम आपको उन गाथाओं को रसपान करवाते हैं। त्रेता युग के समय में असुरों के राजा बलि तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने का संकल्प लेकर यज्ञ कर रहे थे। उनकी तपस्या और यज्ञ की ज्वालाओं ने स्वर्ग के राजा इंद्र को चिंतित कर दिया और उनकी चिंता उन्हें भगवान विष्णु के पास ले आई। भगवान के पास जाकर देवराज इंद्र ने उनसे प्रार्थना की कि किसी भी प्रकार से राजा बलि के यज्ञ के संकल्प को पूरा ना होने दिया जाए, क्योंकि अगर असुरों का साम्राज्य तीनों लोकों पर फैल जाएगा तो संपूर्ण सृष्टि में अधर्म व्याप्त हो जाएगा, जैसा कि आज हम देख ही रहे हैं। तो देवराज इंद्र की प्रार्थना स्वीकार करके भगवान विष्णु वामन देव के रूप में महाराज बलि के पास आते हैं। बटुक ब्राह्मण के रूप में आए हुए वामन देव महाराज बलि से भिक्षा की याचना करते हैं। भगवान के सुंदर स्वरूप को देखकर बलि महाराज संकल्प करते हैं कि वो जो भी मांगेंगे वो उन्हें मिलेगा, और वामन देव के रूप में आए हुए भगवान विष्णु महाराज बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हैं और केवल 2 पग के अंदर वे तीनों लोकों को नाप लेते हैं। बलि महाराज की भक्ति की परीक्षा करने के लिए वामन देव बलि महाराज से कहते हैं, हे राजन,
आपने मुझे वचन दिया था कि आप मुझे 3 पग भूमि प्रदान करेंगे, लेकिन मैंने अपने केवल 2 पग से ही समस्त ब्रह्मांड को नाप लिया है, तो अब मैं 3रा पग कहाँ रखूँ? वामनदेव की ये बात सुनकर प्रहलाद पौत्र बलि महाराज भगवान के चरण कमलों में नतमस्तक हो जाते हैं और उनसे कहते हैं, हे प्रभु, आप 3रा पग मेरे मस्तक पर रख दें। बलि महाराज के ये शब्द सुनकर भगवान उन पर अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और भक्त के ऊपर अपनी कृपावश बलि महाराज के सुतल लोक में उनके द्वारपाल बनने को तैयार हो जाते हैं। भक्तों के अधीन भगवान जब अपना वैकुंठ छोड़कर सुतल लोक में आ जाते हैं तो उनकी पत्नी देवी लक्ष्मी अत्यंत व्यथित और चिंतित हो जाती है। इस समस्या का समाधान करने हेतु देवी लक्ष्मी एक सामान्य स्त्री के रूप में बलि महाराज के पास आती है और उन्हें अपने भाई के रूप में राखी बांधती है और बदले में अपने पति भगवान विष्णु को मुक्त करने की याचना करती है। जिस दिन देवी लक्ष्मी बलि महाराज को राखी बांधती है वो यही श्रावण मास की पूर्णिमा का ही दिन था, जिसे आज हम रक्षाबंधन के रूप में मानते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण शिशुपाल का वध करते हैं तो उनकी उंगली से रक्त बहने लगता है। उस वक्त पांडवों की पत्नी और भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्त द्रौपदी उन्हें अपनी साड़ी का एक सिरा फाड़कर भगवान की उंगली पे बांध देती है। रक्षा रूपी इस धागे का ऋण भगवान उस वक्त चुकाते हैं जब कौरवों की सभा में द्रौपदी का वस्त्रहरण हो रहा था। महाभारत के युद्ध से पूर्व महारानी कुंती ने अपने पौत्र अभिमन्यु की रक्षा करने के लिए भी उसकी कलाई पर राखी बांधी थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि रक्षाबंधन का ये पर्व मानव संबंधों और मूल्यों की रक्षा करने का प्रतीक है, लेकिन इन सब से ऊपर इस पर्व का एक आध्यात्मिक पहलू ये भी है कि मानवीय संबंधों से परे परम पूर्ण परमेश्वर हम सब के वास्तविक रक्षक हैं। मृत्यु के समय जब जीवात्मा को सबसे अधिक रक्षण की आवश्यकता होती है, उस वक्त केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हरि ही उनके वास्तविक रक्षक बनते हैं। भगवान श्री हरि और उनका पवित्र नाम का उच्चारण हमें इस दावानल रूपी संसार की अग्नि से रक्षा करता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वे परम कल्याणकारी रक्षा रूपी मंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का सदैव जाप और चिंतन करें और भौतिक संसार के भय से मुक्ति प्राप्त करें। रक्षा बंधन के दिन ही भगवान श्री कृष्ण के निजी विस्तार और कृष्ण लीला में उनके बड़े भाई श्री बलराम जी का भी आविर्भाव दिवस होता है, जिसे हम बलराम पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। बलराम जी आदि गुरु हैं और गुरु का कर्तव्य अपने शिष्य की भौतिक माया से रक्षा करना होता है। इस प्रकार बलराम जी हमारे परम रक्षक भी हुए। सनातन धर्म के सिद्धांत और परंपराएं प्रमाणित और स्पष्ट हैं। इसलिए आप सब से हमारा नम्र निवेदन है कि तथाकथित बुद्धिजीवियों, भ्रमित करने वाले विज्ञापनों और हमारी आस्था पर हो रहे प्रहार के प्रति सावधान रहें। अत्यंत तेजस्वी और आत्मज्ञानी ऋषियों द्वारा प्रदत्त शास्त्रों और सनातन रूप से स्थापित वैदिक सभ्यता पर हमें गर्व करना चाहिए। कुछ सालों से आए हुए संहारक संप्रदायों की भ्रामक बातों में आए बिना चलिए हम सब अपनी वैदिक परंपरा का स्मरण करते हुए और अपने ऋषियों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए मानवीय संबंधों के मूल्यों की रक्षा करने वाले इस रक्षा बंधन के पवित्र पर्व को परिवार के साथ मनाते हैं। हरे कृष्णा।